नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, मसूद अजहर, इलियास कश्मीरी आज भी पाकिस्तान में ऐश कर रहे हैं और उनको पाक सेना सुरक्षा देती है। भारत ने कई बार डोजियर सौंपा है और कहा है कि इन खतरनाक आतंकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करने के बजाय उनको दुनिया की सारी सुविधाओं से लैस करके रखा है। इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ FATF दोनों ने इनको वैश्विक आतंकी माना है, लेकिन पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी कड़ी में हाफिज सईद को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों को मास्टरमाइंड और जमातु दावा के सरगना हाफिज सईद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें घर के बाहर बम विस्फोट करने वाले चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। यह धमाका बीते साल जून में हुआ था। पाक अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आपको जानकारी देते चले कि पिछले साल जून में सईद के घर के बाहर एक कार में भीषण बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 20 लोग घायल भी हो गए थे। आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद भुट्टो ने कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नामक एक महिला को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। ये वही कोट लखपत जेल है जहां सरबजीत को बंद किया गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ईदगुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। भारत में पाक मामलों के जानकारों की माने तो जिस तेजी से पाकिस्तान और पाक अदालतों ने सईद को लेकर तत्परता दिखाई है, अगर मुंबई हमलों को लेकर अदालती कार्रवाई करती तो इन खतरनाक आतंकियों को भी फांसी हो जाती, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन इन्हीं आतंकियों की वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, ये सब पाकिस्तान के राजनेता जानते हैं कि आज दुनिया आतंक की वजह से पाकिस्तान को आतंकी देश मानती है और ना ही कोई व्यापार करती है, ना ही कोई कंपनी आती है और ना ही कोई कर्ज देता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका एक ही काम है खून बहाना, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं।